मैंने ये एक लौकी ले ली है पूरी, यह 3 पाव जितनी है। इसे छीलेंगे तो कम हो जाएगी, छिलके से ग्रेट कर। अब हम ये लौकी को ग्रेट कर लेंगे। हम आज दूधी का हलवा बनाने जा रहे हैं। इसे देखिए, ये थोड़ा बड़ा छेद वाला मैंने ग्रेटर लिया है। हम इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। हमने बाजू में एक कढ़ाई रख ली है, उसमें हम 2 चम्मच जितना, मैं घर का ही घी डाल रही हूँ, एकदम फ्रेश घी, 2 चम्मच, ये दाल का चम्मच है उतना मैंने इसमें घी डाला। और हमारा गैस हमने चालू किया हुआ है, उसे हमने स्लो कर दिया। अब हमने जो आधी दूधी ग्रेट करके डाली, उससे तुरंत डालना है, नहीं तो दूधी का कलर अलग हो जाएगा। बाकी की आधी दूधी ग्रेट करेंगे और तुरंत बाजू की कढ़ाई में गरम घी में इसे डालते जाएंगे। इस तरह मैं दूसरी बार भी डाल दिया, इसका कलर देखिए चेंज ना हो, नहीं तो यह काली पड़ती जाती है। अब जब दूधी चॉइस करते हैं तब आपने देखना है, दूधी एकदम छोटी ना हो, वो कड़वी होती है, और एकदम गावरन दूधी लेनी है लौकी और हलवा बनाना है। इसे एकदम फास्ट गैस में ही हमने पकने देना है। देखिए दूधी का कलर हरा का हरा रहा। यह हमारी दूधी अच्छे से घी में ही अच्छे से पक गई है, तभी इसमें हम 1.25 लीटर जितना दूध डालेंगे। अब इसे हम आधे घंटे तक फास्ट गैस में ही उबलने देंगे। इसमें हम, ये मैंने फुल फैट दूध लिया है, हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम या घर की मलाई डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे फास्ट गैस में अब उबलने देना है। इसे बीच बीच में ऑकेजनली चलाना है। हमारा ये दूध गाढ़ा होने लगा है, मावा का रूप ले रहा है। इसे फास्ट गैस में इसी तरह चलाते रहना है। हमारे ये 1 चम्मच जो है, इसमें इसमें यह 45 ग्राम जितनी शक्कर आई है, ऐसी हम 3 चम्मच शक्कर इसमें डालेंगे। यह हमारा मावा का फॉर्म हो गया है। इसमें आप दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं 3 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, मतलब 150 ग्राम जितनी शक्कर हो गई। यह हम बाउल से यदि मापते हैं तो यह
एक बाउल जितनी शक्कर होती है। ये इसमें हमने डाल दी। इसे आप कंटिन्यू चलाना है, अभी छोड़ना नहीं है। इसमें शक्कर का पानी देखिए, अब ये शक्कर का पानी भी हम इसे पूरा गरम करके निकाल लेंगे और इसे और गाढ़ा बनाएंगे। ये देखिए एकदम फास्ट गैस में हमारे दूधी के हलवे में एकदम चमक आ गई है। पूरी शक्कर का पानी पूरा इवेपोरेट हो गया और यह एकदम इसने हलवे ने ठीक रूप ले लिया है। इसे और थोड़ा हम फास्ट गैस में इसी तरह चलाएंगे। इसे हमको पूरा आधा घंटा लगा चलाने में। यदि आप मावा यूज़ करते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी आप पाव लीटर दूध डाल के 200 ग्राम मावा डाल के तुरंत इसे बना सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश दूध का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस तरह के हलवे को 15 मिनट लगते हैं बनने में। देखिए अभी ये पैन छोड़ने लगा है, इसमें से घी भी निकलना चालू हुआ है। हमने यही कंसिस्टेंसी रखनी है और इसे हम एक कैसरोल में भर देंगे जिससे ये गर्म रहेगा। गैस बंद करेंगे। कैसरोल में इसे ले लिया है, अब इसे हम बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निशिंग करेंगे। मैंने इसमें इलायची जायफ़ल कुछ नहीं डाला है क्योंकि दूधी और दूध का स्वाद का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और इसे मैं चिरंजी दाने से भी गार्निशिंग कर रही हूँ। इस तरह यह हमारा दूधी का हलवा तैयार हो गया। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद। आप भी बनाइए, बहुत इजी है।